Dhanla Sahab, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. खुश हूँ कि किसी तौर सहर हो तो गई है, खुश हूँ कि किसी तौर सहर हो तो गई है, कांटों पे सही रात बसर हो तो गई है, और जो मैंने तराशी थी कभी तेशाए गम से वो राह तेरी राह गुजर हो तो गई है। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा कि आप इस अगस्ट हाउस के बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब हुए हैं। इस क्राइसिस से जब हम गुजरे हैं तो एक चीज़ जो मेरे जहन में आई है कि या तो 63A का कानून नहीं होना चाहिए और या अदम एतमाद का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक वज़ीर आज़म मुंतखब होता है साफ ज़ाहिर है वो अक्सरियत से होता है, और अगर उस वज़ीर आज़म को इस हाउस की अक्सरियत सोचती है कि हमने डी सीट करना है या अपनी सीट से हटाना है, तो वो फिर अगर फ्लोर क्रॉस नहीं करेगी तो क्या करेगी। मेरे ख्याल में यहाँ जो हमारा आईन है उसमें एक बड़ी मैं कहूँगा कजी है, तो इनको दोबारा रिविजिट करने की ज़रूरत है, ये भी मैं गुजारिश करूँगा। और जो आज पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर के साथ जिस तरह का रवैया मेंबरान पार्लियामेंट ने रवा रखा, वो भी मैं कहूँगा कि किसी तरह से मुनासिब नहीं है कि हम जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं अगर हम इस पार्लियामेंट की तौकीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। तो एक दफ़ा फिर मैं जनाब को मुबारकबाद पेश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू, शुक्रिया। यकीनन ये जिस वाक़े की तरफ आपने निशानदेही की है पंजाब असेंबली का, इसके बारे में डॉक्टर शजा ने यहाँ पे जो है वो रेजोल्यूशन पास किया जिसे मुतफिका तौर पर हमने मंजूर किया और इस वाक़े की कंडमनेशन की इस हाउस ने। जनाब दोस्त मोहम्मद मजारी इस अगस्ट हाउस के मेंबर रहे हैं, हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे हैं, और उनके साथ जो भी वाक़ा हुआ है हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अब एक मेरा ख्याल है ख्वातीन की भी बारी आनी चाहिए, तो मोहतरमा नाज़ ब्रोज साहिबा।